हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ, कुशल, मंगल, अच्छे होंगे। और आपके साथ एक बेहतरीन और हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ज़ीरो ऑयल कुकिंग। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ छोले, जिसको पूरी रात मैंने भिगा दिए थे, अब उबाल नीचे रखे हैं। इसमें एक चुटकी नमक डाल दिया है और इसको हम 8 से 9 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम में। और यहाँ पर इसके लिए मैंने 3 प्याज थे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सबको बारीक पेस्ट बना लिया है। और कढ़ाई गर्म होते ही, अच्छी गर्म होते ही, मैंने इसमें जीरा और अजवाइन डाला है। उनको तब तक भून लेना जब तक थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि हम बिना तेल के आज छोले बना रहे हैं, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। एक बार आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा। सब ट्राई करे थे तो मैंने बोला कि मेरे को भी ट्राई करना चाहिए, तो मैंने भी आज ट्राई किया। और ये वहाँ पे जब हमारा जीरा अजवाइन अच्छे से भून गया था, तो फिर मैंने जो पेस्ट तैयार किया था प्याज का, उसको अच्छे से यहाँ पर डाल दिया। और प्याज को भी हमने तब तक मीडियम फ्लेम में भून लेना जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए, हमारा प्याज का कलर चेंज होने लगा है। और यकीन मानिए कि कहीं भी नहीं लगा कि हमें इसमें तेल डालना चाहिए था, या तेल के साथ बहुत टेस्टी बनता है। बिना तेल के ये छोले बहुत ही डिलीशियस बने हैं। एक बार आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। सब ट्राई करे थे तो मैंने बोला मैं क्यों नहीं, मैं भी ट्राई करती हूँ और देखती हूँ सच में इसका टेस्ट। सब बोले थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यकीन माने, जब मैंने खुद बनाया ना, हस्बैंड खुद बोल रहे, मैंने उनको बोला कि तुम्हें कुछ इसमें चेंज लगा, कुछ अलग सा लगा, कुछ टेस्ट में फ़र्क? बोला टेस्ट तो अच्छा आ रहा है, बहुत टेस्टी बना है। फिर मैंने बोला अरे बुद्धू, मैंने कहा इसमें तेल नहीं है। कह रहे हैं तेल नहीं है इसमें, बिना तेल के बनाया है। मैंने बोला हाँ। बोला कहीं भी नहीं लग रहा है कि तेल डालना था या बिना तेल के बनाया, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो यकीन मानिए, ये सच में बहुत अच्छा बना। और जब हमारा प्याज भून गया था, तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर थे, उसको बहुत अच्छे से पेस्ट बना के तैयार किया हुआ है, फिर यहाँ पर डाल दिया। इसको भी हमें मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट ऐसे भून लेना है। इसमें आपको बस ध्यान रखने की बात यह कि जो आपके प्याज टमाटर, मतलब जो आप ग्रेवी बना रहे हैं, वो आपके बहुत अच्छे से पके, मसाला आपका बहुत अच्छे से पके। इसमें कहीं भी कच्चेपन का कोई ऐसे गुंजाइश ना हो कि आप इसको कच्चा छोड़ दें, या बिल्कुल फुल फ्लेम में पका रहे हो तो वो जल्दी पक जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, बट अंदर से वो कच्चे रहेंगे। तो आपको मीडियम फ्लेम में इन सबको अच्छे से भून लेना है। और साथ ही मैं चटनी बना रही हूँ पुदीने की, पुदीना नहीं, हरा धनिया, जिसमें हरा धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज और एक टमाटर है छोटा, जिसको अच्छे से हमने कर लिया। और चाट मसाला, काला नमक डाला है इसको। इसको हम यूज़ करेंगे छोले में, जब हमारे छोले बनेगा बाद में ऊपर से हम डालेंगे। और यहीं पे गुनगुने पानी में हम डाल रहे हैं हल्दी, धनिया, एक चुटकी नमक, क्योंकि नमक उबालते हुए भी डाला था, और थोड़ा फिर जो चटनी बनाई है उसमें भी है। और बस ये देखिए हमारा मसाला का कलर, देखिए आप जो ये ग्रेवी है हमारा, कितना ये ग्रेवी इतना अच्छे से पक चुका है ना, इसका कलर चेंज होने लगा है। और आपको ये मीडियम फ्लेम में ना अच्छे से भून लेना है, टमाटर वगैरह जो भी आप ग्रेवी में यूज़ कर रहे हैं। आप खड़े मसाले भी डाल सकते हैं यहाँ पे, खड़े मसाले को ड्राई रोस्ट करके फिर उसको आप में घुमा सकते हैं, और बाद में उनका ऊपर से यूज़ कर सकते हैं डाल के। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, मसालों के साथ भी आपको ये बहुत अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम में इन सबको। देखिए कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बिना तेल के ये ख़राब मसाला या ग्रेवी ख़राब सी कुछ दिख रही हो या लग रही हो। ये खुद देखिए आप, ग्रेवी कितनी टेस्टी लग रही है, और कलर देखिए कितना सुंदर आया है इसमें। आप लोगों को भी एक बार इस तरीके से बनाना चाहिए। और अगर आपको ये तरीका और ये रेसिपी अच्छी लगी हो, क्योंकि सब तैयार इसको ट्राई करे थे तो मैंने भी ट्राई किया है, और देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसका कलर आया है, और बहुत ही टेस्टी। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर, कॉमेंट कीजिएगा। प्लीज़ एक बार आप लोग भी बिना तेल के इस तरीके से कोई भी सब्जी, दाल या कुछ भी, मोटी दाल, पतली दाल, जैसे भी आप बनाना चाहें, एक बार बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी बनके ये तैयार हुआ था। और ये देखिए हमारा मसाला पूरी तरीके से पक चुका है, कहीं से इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये कच्चा रह गया, और कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और यहाँ पे हम अपने बॉयल जो हमने छोले किए थे उनको डाल लेंगे इस स्टेज पे, क्योंकि मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, छोले भी हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए बस इनको अब एक साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको ये अच्छा लगा, ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि आप लोग कौन सी रेसिपी ट्राई करने वाले हैं बिना ऑयल के, और मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊँ ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगे कुछ भी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और ये रेसिपी जितना पॉसिबल हो उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बिना तेल की है, और जितना आप कर सकते हैं इसको शेयर कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है, बस इसको थोड़ा हल्के उससे हम डडली से इसको मैश कर लेंगे थोड़ा सा। तो कलर देखिए हमारे छोलों का दोस्तों कितना टेस्टी आया है, और वाकई में ये बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी छोले बने थे। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बस इस तरीके से आपको मैश कर लेना है,
कुछ भी नहीं करना है, मैंने सिर्फ यहाँ पे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन और हरा धनिया, क्योंकि वो चटनी बना के रखी है ग्रीन चटनी उसकी, वो हम ऊपर से अभी डालेंगे इसमें, उससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। और छोले का कलर देखिए, इसमें कोई चाय पत्ती नहीं डाली है कलर के लिए बॉईल करते हुए, या आंवले, कच्चा आंवला या सूखा आंवला नहीं डाला है कलर के, इसका कलर नेचुरली खुद ही वैसा आ गया है जो ब्लैक होता है छोलों का कलर, ये देखिए दोस्तों। और अभी और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बस एक चम्मच भी क्या, आधे चम्मच है वो, छोले मसाले डाल दिए हैं। और अब देखिए कलर, देखिए आप छोलों का, ग्रेवी देखिए कितनी उसकी सुंदर बनी है, इतना लाजवाब, इतनी शानदार, इतना टेस्टी, डिलीशियस हमारे छोले बनके तैयार हुए थे दोस्तों। और यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने चटनी बना के रखी थी ऊपर से, ये जो है ना टेस्ट को और इन्हेंस कर देती है। ये देखिए दोस्तों कलर देखिए आप छोलों का, है ना लाजवाब, जीरो ऑयल कुकिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब सारी चीज़ें बिना तेल के ही बनानी चाहिए, हेल्दी भी बनेगी और टेस्ट में थोड़ा एक चेंज भी आना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब एक नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊँ बिना तेल के, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसको हम 10 मिनट ठाड़ लिए, 10 मिनट ढक के देखेंगे, और ढकने के बाद हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या सुंदर हमारे छोले बिल्कुल बन के तैयार हैं। ये देखिए दोस्तों कलर देखिए आप, टेक्स्चर देखिए उसका, थिकनेस देखिए, ना ज़्यादा पानी है ना ज़्यादा ठीक है, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। और ये देखिए हमारे छोले इस तरीके से तैयार है। आज मैंने ऑफिस के लिए हस्बैंड को छोले ही दिए हैं, मैंने कहा आप दोस्तों को भी खिलाइए और उनका फीडबैक लीजिएगा कि बिना तेल के ये छोले उनको कैसे लगे हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी में, एक अच्छी रेसिपी में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करना।